नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करवाई जा रही है, साथ में ही अब टेक्निकल की तैयारियां भी करवाई जाएंगी। टेक्निकल में विशेषकर सिविल और इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चलाई जाएंगी। दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिलाने का वादा हम लोग करते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मिल सके आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा, जिसमें एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण हम उस लेक्चर को फिर से रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू दिया था, जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितने सब्जेक्टों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कुछ मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है, आपकी मशीन होती है, आपका पावर सिस्टम होता है, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, डिजिटल होती है, एनालॉग होती है, और UWE और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होती है। मेनली जो एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं सब सब्जेक्टों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अपने इलेक्ट्रिकल को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल को अपना मजबूत बनाना है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल ही इलेक्ट्रिकल की बेस है जो आपके इलेक्ट्रिकल को मजबूत करेगा। आपके इलेक्ट्रिकल में हर जगह आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल दिखेंगे, इसलिए हम बेसिक इलेक्ट्रिकल को जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिकल के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने थे, लेकिन टेक्निकल, जैसे कि पहले भी बताया था कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण वह वीडियो आपको साफ नहीं दिख रही है, इसलिए हम इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले उसमें जानते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती क्या है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को पैदा कैसे करते हैं, उसके रखरखाव को कैसे करते हैं और उस ऊर्जा का हम उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बेसिक सी जो कॉन्सेप्ट होती है उसमें जो उसका बेस जो होता है वो क्या चीज़ होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे जनरेट की जाती है, विद्युत धारा होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जनरेट तो खैर हम पावर सिस्टम में देखेंगे वो कैसा होता है, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि विद्युत धारा क्या चीज़ होती है। आवेश प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी सर्किट में जो एलिमेंट होता है उसमें जो आवेश प्रवाह होते हैं उसके कारण क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा फ्लो होती है, यानी कि विद्युत धारा बहती है, आवेश प्रवाह। और वो आवेश बेसिकली होती क्या है दोस्तों? वो जो आवेश होते हैं वो आपके किसी किसी एलिमेंट के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसमें फ्लो होते हैं। किसमें? मेटल में, यानी कि एलिमेंट में फ्लो होते हैं। इसी विद्युत धारा की एक दूसरी डेफिनेशन होती है दोस्त, वो क्या होती है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं तो उसे विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और विद्युत धारा की जो SI यूनिट होती है वह एम्पियर होती है, तथा इसको I के द्वारा डिनोट किया जाता है। विद्युत धारा जो होती है उसे I के द्वारा डिनोट की जाती है, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है विद्युत यानी धारा का, यानी I, वो क्या होता है? Q अपॉन T, जहाँ पर Q आवेश तथा T समय, यानी कि I यानी कि धारा बराबर आवेश बटे समय। और इसी सूत्र से हमको विद्युत धारा की दूसरी यूनिट मिल जाती है दोस्तों, वो क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। अब अगले टर्न पर जाते हैं जो कि है एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन क्या चीज़ होती है उसके बारे में जानते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाना अथवा उसे दूसरे कक्षा में ट्रांसफ़र करने को एक्साइटेशन कहते हैं। भाई, हम किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे तो कैसे कराएंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कैसे करवाएंगे? उसको एक्साइट ही तो करना होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करके किसी दूसरे कक्षा में भेजना है। तो वो किसके द्वारा होता है? वो एक्साइटेशन के द्वारा होता है, वो एक्साइटेशन दिया जाता है। वो एक्साइटेशन बेसिकली होता है क्या? वोल्टेज। आपने किसी सर्किट में
आपने किसी सर्किट में एक रजिस्टर लगा दिया और वह उस सर्किट को एक्साइट करने के लिए, इसमें एक्साइटेशन क्या है, ये एक्साइटेशन होगा, ये सप्लाई दे रहा है जिसके कारण इसमें जो इस एलिमेंट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। वो कब होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो, जब आपने एक्साइटेशन दिया। वो एक्साइटेशन क्या है दोस्तों आपका, या बैटरी या वोल्टेज सोर्स जो भी है, इसके कारण से आपके इसमें करंट बहनी शुरू हो जाती है और एलिमेंट में भी करंट बहनी शुरू हो जाती है। दोस्तों एक और पॉइंट था जो विद्युत धारा में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पॉइंट क्या है कि जो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट होती है। यानी कि किसी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन इस ओर बह रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वह इस ओर होगी। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस ओर बह रहे होंगे इस एलिमेंट में और करंट इस ओर बह रही होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसे आपको वहीं पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो टर्म है वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या चीज़ होती है, जब मटेरियल को इतना अधिक एक्साइट कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से बाहर चला जाए, उस अवस्था को हम मटेरियल को आयोनाइज कह जाते हैं। यानी कि मेटल आयोनाइज हो गया भाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि मटेरियल जब मटेरियल में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना लग जाए, जब यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाए, फ्लो होने लग जाए, यानी कि उसने अपनी कक्षा छोड़ दिया तभी तो फ्लो हो रहा है, और जब वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका मटेरियल आयनाइज हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगला जो टर्म है वो है डिफ्यूजन करंट। ठीक है दोस्तों, डिफ्यूजन करंट क्या चीज़ होती है उसके बारे में जान लेते हैं। जब करंट दो मटेरियल में आवेश यानी कि चार्ज के कॉन्ट्रेक्शन के अंतर के कारण फ्लो होती हो तो ऐसी करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। कॉन्ट्रेक्शन क्या चीज़ होती है भाई, अब दो मटेरियल की क्या ज़रूरत है। तो भाई इसमें हमने हमने कहा था ना अभी कि एक्साइटेशन देना पड़ता है फिर जाकर होता है। अब यार हमारे पास दो मेटल हैं, ये दो मेटल हैं, ये दोनों मेटल मिले, दोनों मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, आवेश यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हमारी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। अभी किसी में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दो मेटल है ना, फर्स्ट मेटल सेकंड मेटल, ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो हमारे इस कॉन्ट्रेक्शन यानी कि अंतर के कारण ही हमारी करंट फ्लो होती है। जो हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि जब करंट दो मटेरियल में आवेश के कॉन्ट्रेक्शन के कारण, कॉन्ट्रेक्शन के अंतर के कारण फ्लो होती हो तो ऐसी करंट को हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। यहाँ कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो करंट जो हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फ्लो होने शुरू कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं, और यही करंट जो यहाँ से दूसरे यहाँ पर फ्लो हो रही है मटेरियल के अंदर, उसी करंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। और यह डिफ्यूज़न करंट आपको कहाँ पर मिलेगी, अभी जब हम EDC यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिफ्यूज़न करंट का ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से इस चीज़ को बताया जाएगा। अभी ये जान लीजिए कि जो डिफ्यूज़न करंट होती है वो डायोड तथा ट्रांजिस्टर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और अगला टर्म है आपका ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या चीज़ होती है, जब किसी मटेरियल में एक्सटर्नल सप्लाई दी जाती है, जबकि डिफ्यूज़न में नहीं देना पड़ रहा था, वहाँ पर क्या थे, दो एलिमेंट थे, एक में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन थे, एक में कम फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसी इसी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और कम इलेक्ट्रॉन के कारण उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, जिसके कारण आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर एक करंट क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी। उसमें कोई आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया हुआ था, वो फ्लो हो ही रही थी। अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई, अब हम ड्रिफ्ट करंट की ओर आ रहे हैं। ड्रिफ्ट करंट में हमने क्या किया, जब हम किसी मेटेरियल को एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, दे दी, तो उस मेटेरियल में क्या हो जाता है कि आवेश फ्लो होने लगता है। यानी कि हमने जब हमने क्या किया, हमने एक मटेरियल में एक्सटर्नल सप्लाई दी, उस एक्सटर्नल सप्लाई के कारण उस एलिमेंट में क्या होने लग गया, आपका उस एलिमेंट में करंट फ्लो होने लग गया।
तो वही करंट हमारी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट करंट कहलाती है। और यह ड्रिफ्ट करंट एक मेनली जो कहा जाता है ना, तो जो आपका डिफ्यूजन करंट जो होती है वो फोर्स फ्री होती है, फोर्स फ्री करंट होती है। और जो आपका ड्रिफ्ट करंट होती है वो फोर्स, इसमें फोर्स दिया जाता है, उसके बाद ही आपका करंट क्या होती है, फ्लो होती है। डिफ्यूजन करंट फोर्स फ्री और ड्रिफ्ट करंट फोर्स देने पर ही फ्लो होती है। वो फोर्स क्या है आपका, एक्सटर्नल सप्लाई, जिसे हम क्या करें, वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज यानी कि वोल्टेज डिफरेंस होता ना कि एक एंड पर ज़्यादा हायर पोटेंशियल और दूसरे एंड पर लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होती है, करंट बहनी शुरू कर देती है। तो वही फोर्स, वही ईएमएफ यानी कि होने के कारण आपकी ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है एक डीसी करंट क्या चीज़ होती है, एसी करंट क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को भी जान लेते हैं। वैसे पिछले लेक्चर में देखा था, सुन देखा होगा आप लोगों ने, तो उम्मीद करते हैं वहाँ पर आपको समझ में, तो जब देखा ना साफ नहीं थी वीडियो तो क्या देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साफ वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। तो डीसी करंट क्या चीज़ होती है, डीसी करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट के नाम से भी जाना जाता है। भाई यूनिडायरेक्शनल के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन क्यों जाना जाता है, डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये आपकी डीसी की एक करेक्टरिस्टिक दी हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ये आपको दिख रहा होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ठीक है दोस्तों, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक एक डायरेक्शन में जा रही है और एक मैग्नीट्यूड भी सेम है, हर जगह कहीं पे चेंज नहीं हो रहा। ये डीसी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। डीसी की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा जीरो होती है ठीक है दोस्तों। और अब आते हैं हम अगले टर्म एसी की ओर। एसी क्या चीज़ होती है, अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ लगातार बदलता रहता है ठीक है, जो आपको इस फिगर के अंदर दिख भी रहा होगा ठीक है मेरा दोस्तों। साथ में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एसी सप्लाई साइकिल के रूप में फ्लो होती है। अब वो साइकिल क्या होती है, ये साइकिल ठीक है। अब ये साइकिल कैसे बनती है वो देखिए, एसी सप्लाई एसी की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में चलती है। देखो दोस्तों ये हमारा करंट जो होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ नेगेटिव हाफ साइकिल में जब चलती है तो क्या कहलाती है, एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। जब यह इसमें चलती है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। देखिए दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हर टाइम बदल रहा है। और साथ में डायरेक्शन भी बदल रही है, पहले अपवर्ड डायरेक्शन, फिर डाउनवर्ड, फिर नेगेटिव रीजन में जाते हुए, फिर अपवर्ड जाते हुए, फिर पॉजिटिव में आते हुए, फिर इस तरह से चलती रहती है आगे को। तो एसी क्या होता है, डायरेक्शन भी बदलती रहती है और मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है। एसी करंट का यह प्रॉपर्टी है। अब आते हैं पावर या शक्ति क्या चीज़ होती है। कार्य करने की दर को पावर कहते हैं यानी शक्ति कहते हैं। पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी। जो डब्ल्यू यहाँ पर है वो कार्य है और पी यहाँ पर पावर है और टी यहाँ पर लिया गया समय है, कार्य को करने में लिया गया समय है। और जो कार्य की यूनिट होती है वो वाट होती है, जो एसआई यूनिट होता है उसका वो वाट होती है। और सूत्र जो, यह सूत्र जो निकला, कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कि ये निकला था ना डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी निकला था, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि पावर
यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय, उसके सूत्र से जो एक और यूनिट निकल कर आती है वो यूनिट है जूल पर सेकंड। पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, शक्ति की यूनिट होती है। ये तो मैकेनिकल टर्म में था। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म में देखें तो इलेक्ट्रिकल टर्म में पावर कैसी बनती है वो देख लीजिए। ये सब पावर, पावर जो बनती है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि वोल्टेज गुणा करंट जब होता है तो हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह होता है बेसिकली सिंगल फेज के लिए और डीसी सर्किट के लिए। अब वोल्टेज इसी के वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इसी के थ्रू हम अब एक और फॉर्मूला रिगार्ड जो पावर का होता है आई स्क्वायर आर होता है, जो दूसरा फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये तीन फॉर्मूले यहाँ पर आपको दिए गए हैं पावर के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आगे आपको मदद करेंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब हम किसी सर्किट में एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है, तो उन एलिमेंटों की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुण होते हैं, वो सब जानते हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं, वो सब हम इन पॉइंटों के अंदर जानेंगे। इलेक्ट्रिक पर्पज़ में एलिमेंट, हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, बाइलेटरल यूनिलेटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो पॉइंट है वो हमारे पास है लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट किसे कहते हैं, लीनियर एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जिनका ग्राफिया कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफिया कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के मूल बिंदु से होकर गुजरता हो, लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। लीनियर एलिमेंट की एक और शर्त होती है कि लीनियर एलिमेंट हर समय स्ट्रेट लाइन की एक समीकरण को फॉलो करता हो, तब जाके ये क्या होंगे, ये दो शर्तें हैं दोस्तों जो कि लीनियर एलिमेंट के लिए होनी चाहिए, पहली ये है दूसरी है। देखिए अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखें तो क्या हो रहा है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या हो रहा है आपका स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है स्ट्रेट लाइन, मूल बिंदु से होकर आ रहा है, बिल्कुल मूल बिंदु से होकर आ रहा है, दोनों शर्तें ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब यह लीनियर एलिमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें अगर तो क्या हो रहा है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रही है, बिल्कुल कर रही है, मूल बिंदु से होकर जा रही है, यानी कि यह लीनियर एलिमेंट है। तो लीनियर एलिमेंट के लिए दो शर्तें होती है जो आपको याद रखनी होंगी, और इसके रिगार्ड हम एग्जांपल देखेंगे बाद में जब यह सब टॉपिक हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट आता है नॉन लीनियर यानी अरेखिक एलिमेंट, वे तत्व जिनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करती हो वे क्या कहलाते हैं, अरेखिक यानी कि नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो पहले एग्जांपल में हम देखेंगे इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है, और साथ में ही ये पहली पॉइंट को भी फॉलो नहीं कर रही है कि मूल बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। आपको दिख रहा है कहीं पे कि यह मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, यानी कि यह मूल बिंदु को टच कर रहा है केवल लेकिन होकर नहीं गुजर रहा है, तो यानी कि यह नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो भी यह नॉन लीनियर एलिमेंट होगा। तीसरा एग्जांपल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको वी आई कैरेक्टरिस्टिक में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो फॉलो कर रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को तो फॉलो कर रहा है लेकिन मूल बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है, तो यानी कि यह नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक दिन में एलिमेंट्स की अलग से वीडियो बना दूंगा, और इससे पहले वाली वीडियो में मैं अच्छे से एलिमेंट समझाया था, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, तो आपसे तो है नहीं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं जान लीजिए। एक्टिव एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर को सप्लाई या डिलीवर करते हों, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। वो क्या होते हैं, वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, करंट सोर्स हो सकते हैं, बैटरी हो सकते हैं, वो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में एलिमेंट्स को या आउटसाइड द वर्ल्ड को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, देखिए। और एक और पॉइंट होता है इसमें जो ग्राफिया उससे पता करने के लिए काम आता है कि ग्राफ में नेगेटिव स्लोप आने वाले एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जो ग्राफ में नेगेटिव स्लोप में जो आएंगे ना,
वो क्या हो जाएंगे, वो क्या कहला, वो कौन से एलिमेंट कहलाएंगे, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं, वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्टिव एक्टिव एलिमेंट द्वारा सप्लाई पावर को एब्जॉर्ब करता हो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्टिव एलिमेंट द्वारा जो पावर भेजी गई होगा ना, उस पावर को जो ऑब्जर्व करता होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे पैसिव एलिमेंट हो जाएंगे। वो पैसिव एलिमेंट कौन से होंगे, रेजिस्टर हो गया आपका, इंडक्टर हो गया आपका, कैपेसिटर हो गया आपका, ये सब आपके पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब जो बात कर रहे थे कि जो ऊपर पॉइंट लिखा गया था कि नेगेटिव स्लोप में जो आएंगे वो एक्टिव एक्टिव एलिमेंट होंगे, और पॉजिटिव स्लोप में जो आएंगे वो पैसिव एलिमेंटों का, जो यहाँ पर लिखा गया है, नेगेटिव उसमें मिलने वाले एक्टिव एलिमेंट होंगे, पॉजिटिव स्लोप में मिलने वाले पैसिव एलिमेंट होंगे। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनता है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव स्लोप बनता है, पॉजिटिव स्लोप बनता है जो यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव स्लोप बनता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फोर्थ में आपको पॉजिटिव स्लोप बनता है, जो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। फोर्थ में आपको, थर्ड में आपको क्या दिख रहा था, पॉजिटिव स्लोप। फोर्थ में आपको दिखेगा नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये सब आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होगी कि ग्राफ में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में जब आपको एलिमेंट मिलेंगे तो वो कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में कौन से मिलेंगे, पैसिव एलिमेंट। और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कौन से एलिमेंट मिलेंगे, वो मिलेंगे एक्टिव एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसके एग्जांपल को थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा आते हैं, पैसिव एलिमेंट, यानी कि यह पैसिव एलिमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ में एक्टिव एलिमेंट हो गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, और ओनली थर्ड में है, तो यानी कि यह थर्ड में अगर कौन सा दिखता है आपको, पैसिव एलिमेंट दिखता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होते हैं, वे एलिमेंट जिनको सप्लाई, जिनकी सप्लाई या पोलरिटी, जिनकी सप्लाई सप सॉरी वे एलिमेंट जिनकी पोलरिटी या खुद उन एलिमेंट को सप्लाई की पोलरिटी या खुद उन एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, बाइलेटरल एलिमेंट किसे कहते हैं, वे एलिमेंट जिनकी सप्लाई की पोलरिटी या खुद एलिमेंट की पोलरिटी को चेंज करने पर उनकी इंपेडेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो वो क्या कहलाते हैं, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम यहाँ पर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ, वे एलिमेंट जिनकी सप्लाई की डायरेक्शन को बदलने पर या खुद एलिमेंट की डायरेक्शन को बदलने पर उसमें उसके इंफिडेंस पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो, तो वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं, बाइलेटरल। पहले उसमें हमारी करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी तो इंफिडेंस था 5 ओम, उस टाइम 5 ओम ही था, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी थी, करंट कितना निकलेगा V/R से, कितना निकल जाएगा भाई दोस्तों, आपका 2 एम्पियर की करंट निकली। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या कर दिया, अब हम बदल देंगे डायरेक्शन इसकी, या तो एलिमेंट की पोलरिटी बदलेंगे या सप्लाई के करंट भेजने की डायरेक्शन को बदल देंगे। हम क्या बदल रहे हैं यहाँ पर, या तो एलिमेंट की डायरेक्शन क्या थी पहले वाले में, पॉजिटिव और नेगेटिव थी ना, अब हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहने देते हैं, लेकिन वहाँ पर सप्लाई जो था, जो हमने सप्लाई दी थी बैटरी की, वो थी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम इसमें क्या कर देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि करंट इस और इस छोर से जाएगी। जब इस छोर से जाएगी तो ये 10 वोल्ट की थी ये, और ये करंट 2 एम्पीयर की जा रही थी, तो इसका इंपेडेंस कितना ही रहा, 5 ओम ही रहा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आया इसके प्रतिरोध या इंपेडेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो बाइलेटरल एलिमेंट। करंट यहाँ से भेजो या यहाँ से भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले उसके इंपेडेंस पर, उसका इंपेडेंस 5 ओम था तो 5 ओम था। ठीक है दोस्तों, बाइलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। फिर यूनिलेटरल की बात आती है, यूनिलेटरल वे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वे एलिमेंट्स जिनकी सप्लाई की पोलरिटी या उनकी एलिमेंट की पोलरिटी को अगर बदल दिया जाए तो उनके इंपेडेंस में भी क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, तो वे एलिमेंट क्या कहलाता है, यूनिलेटरल एलिमेंट कहलाते हैं। उसका एक एग्जांपल है डायोड, डायोड उसका एक एग्जांपल है। अब देखो डायोड क्या चीज़ होता है, यह इसका पी छोर होता है और इसका एन छोर होता है, जब हम इतना तो पता ही होगा, और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हमने बैटरी से सप्लाई दी तो करंट यहाँ से आया, जब पी से पी यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव
पॉजिटिव वो मिलता है तो फॉरवर्ड वाइज कंडीशन आती है। ठीक है दोस्तों, जब फॉरवर्ड वाइज कंडीशन आती है तो फॉरवर्ड वाइज में जो रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम होता है। अब हमने एलिमेंट की डायरेक्शन यानी कि पोलिटी सेम रखी, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन को अभी चेंज कर देते हैं दोस्तों। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ से आ रही करंट, ये हो गया रिवर्स बायस। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में आपका जो डायोड का रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, डायोड का रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यानी कि इसके करंट की डायरेक्शन को अगर हम बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके इंपीडेंस में भी फ़र्क पड़ रहा है। इंपीडेंस यानी कि अपोज कर रहा है जो करंट फ्लो होने की दर को, उसमें भी चेंजेस आ रहा है। यानी कि इंपीडेंस में यहाँ पर भी चेंज आ, यहाँ पर मिनिमम था, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, तो चेंज आया ना, तो उसी चेंज के कारण इसे यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, जिसका इंपीडेंस बदल रहा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इन एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं इसमें क्या चीज़ हो रहा है। आप बी आई करेक्टरिस्टिक देखें अगर, तो जो इस ओर दिख रहा है वो आप इस छोर पे भी दिख रहा है आपको। इसमें ये क्या आपका हो जाएगा, बाइलेटरल एलिमेंट हो जाएगा। फिर से जो इधर जा रहा है सेम उसी और दूसरी थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाइलेटरल एलिमेंट। फर्स्ट, अब यहाँ पर वी आई करेक्टरिस्टिक अगर देखें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, तो ये यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर भी वही सेम थर्ड क्वाड्रेंट में है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, यानी कि इस ओर तो है लेकिन इस ओर नहीं, तो यह भी यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि यहाँ है, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि एवरी लीनियर एलिमेंट इज़ बायलेटरल, एवरी लीनियर एलिमेंट इज़ बायलेटरल बट रिवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि सारे लीनियर एलिमेंट बायलेटरल होते हैं लेकिन सारे बायलेटरल एलिमेंट लीनियर नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये दोस्तों इसके एग्जांपल हैं, इसमें बताया गया है कि कौन सा बायलेटरल और कौन सा यूनिलेटरल है, कौन सा बायलेटरल और कौन सा यूनिलेटरल है। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, यहाँ से सेम में से ये भी ऐसे, लेकिन इसमें से एक बायलेटरल एक यूनिलेटरल है, क्यों? देखिए इसका मैग्नीट्यूड 4 4 4 4, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका 4 4 6 6, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इधर इधर 4 था, इधर 6 हो गया, तो यानी कि ये यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया। ये क्या क्या चीज़ें, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एलिमेंट आता है, आपका पैसिव एलिमेंट जो पीछे हमने बताया था, और लीनियर तो है ही, लीनियर एलिमेंट है और बायलेटरल भी है। ठीक है, ऐसे ही ये सेकेंड और किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यानी यह एक्टिव एलिमेंट हो गया, बायलेटरल तो है ही और साथ में लीनियर भी है, तो ये और एलिमेंट है। साथ में अब टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट को जानते हैं, क्या कौन से एलिमेंट टाइम इनवेरिएंट होते हैं। वे एलिमेंट जो समय के सापेक्ष अपने कैरेक्टरिस्टिक को बदलते रहते हैं क्या कहलाते हैं, टाइम वेरिएंट एलिमेंट कहलाते हैं। जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, वे एलिमेंट जो समय के बदलने पर अपनी कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट कहलाते हैं।